ऑलमोस्ट एक साल के गैप के बाद स्कोडा ऑक्टाविया ने भारतीय बाजार में वापसी करी है। ये अब और ज्यादा स्पेशियस, ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा लग्जूरियस और ज्यादा फन टू ड्राइव होने का दावा कर रही है। Obviously, prices पहले जितने नहीं रहे। अब ये सिर्फ दो variants में available है, Style और Lauren and Clement, यानी LNK। तो इन दोनों variants में से कौन सी ज्यादा value for money है? चलिए समझते हैं। Welcome back to a brand new episode of Variants Explained, only on Car Dekho, where we help you pick the right car right now. Let's get started. सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑक्टाविया 2021 के कलर ऑप्शंस। इस सेडान का सिग्नेचर कलर है लावा ब्लू, जिसमें यह वाकई काफी यूनिक लगती है। अगर आप बेस वेरिएंट देखें, स्टाइल वेरिएंट देखें, तो लावा ब्लू के अलावा आपके पास व्हाइट और ब्लैक का ऑप्शन है। अगर आप टॉप एंड LNK वेरिएंट लेते हैं तो वहां और दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, विच इज सिल्वर एंड ब्राउन। इन सभी कलर्स को आप कार देखो ऐप पर चेक कर सकते हैं और कॉमेंट्स में मुझे बताइए कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। इस न्यू जनरेशन ऑक्टाविया में सिर्फ एक इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन मिलता है, एक 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, एक 7-स्पीड ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। सैडली डीजल इंजन का कोई प्लान नहीं है, लेकिन हाँ, स्कोडा एक लेटर डेट पर एक छोटा पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस कर सकती है, विच इज लाइकली टू बी द 1.5 लीटर TSI। स्कोडा ऑक्टाविया के बेस वेरिएंट को बेस वेरिएंट कहना थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ये इसी वेरिएंट से ऑलमोस्ट फुल्ली लोडेड आती है। बाहर से देखें तो स्टाइल वेरिएंट में और LNK वेरिएंट में सिर्फ 3 डिफरेंसेस है, फुल LED हेडलैम्प्स इंस्टेड ऑफ LED प्रोजेक्टर्स, एक अलग अलॉय व्हील डिजाइन और फ्रंट एयर डैम में क्रोम स्ट्रिप आपको नहीं मिलता। ग्रिल और विंडो लाइन पर क्रोम क्रिस्टलाइन इफेक्ट वाले LED टेल लैंप्स और डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स आपको इसी वेरिएंट से मिल जाते हैं। हाँ, स्टाइल वेरिएंट में कलर ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड है, लेकिन ये किसी भी एंगल से एक बेस वेरिएंट नहीं लगती। इसी वेरिएंट से स्कोडा ऑक्टाविया एक प्रॉपर प्रीमियम सेडान लगती है। बात करें इंटीरियर की तो स्टाइल वेरिएंट का लुक और फील डिट्टो टॉप वेरिएंट की तरह है। यहाँ पर एक क्लासी ब्लैक और बेज ड्यूअल टोन कलर स्कीम आपको देखने मिलेगा और एक क्लासी लेदर रैप 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी। डैशबोर्ड पर स्टिचिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और क्रोम एलिमेंट्स इस कैबिन को एक अप मार्केट एक्सपीरियंस दे देते हैं। बात करें फीचर्स की तो स्टाइल वेरिएंट में ही कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, 12-वे पावर्ड सीट विद मेमोरी फॉर द ड्राइवर, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट, क्रूज कंट्रोल और चिल्ड ग्लव बॉक्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रंट और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑटो डिमिंग मिरर्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स भी इसी वेरिएंट से अवेलेबल है। इसका इंफोटेनमेंट पैकेज भी काफी तगड़ा है, एक 10-इंच का टच स्क्रीन मिलता है विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसके साथ जुड़ा है एक 8-स्पीकर साउंड सिस्टम। एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको इसी वेरिएंट में मिलता है, जिसे स्कोडा ने नाम दिया है वर्चुअल क्लस्टर। अब इस स्क्रीन पर आप अपने ड्राइव से रिलेटेड सभी जानकारी को देख पाएंगे। ऑक्टाविया स्टाइल वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स देखें तो यहाँ पर 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स के साथ ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी एड्स आपको मिल जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी कोलिजन ब्रेक, ब्रेक असिस्ट और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल ऑक्टाविया का स्टाइल वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, इस प्राइस पॉइंट पर सनरूफ का ना होना थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, बट अदर देन दैट इट इज अ वेल लोडेड सेडान फॉर द प्राइस। अब स्टाइल वेरिएंट लेना चाहिए या LNK वेरिएंट पर जंप करना चाहिए, चलिए समझते हैं LNK के फीचर्स को जानकर। ऑक्टाविया के टॉप मॉडल में सरप्राइजिंगली उतने ज्यादा फीचर एडिशंस नहीं है। इस वेरिएंट में सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, हेड्सअप डिस्प्ले और अराउंड व्यू कैमरा जैसे फीचर्स स्कोडा को ऑफर करने चाहिए थे। बात करें एक्सटीरियर की तो इसके एडाप्टिव प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स एक बड़ा हाईलाइट है। इसमें ही इंटीग्रेटेड डे टाइम रनिंग लैम्प्स मिलते हैं जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। यहाँ भी आपको 17-इंच का ही अलॉय व्हील मिलता है, जिसका डिजाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है,
क्या ये डिजाइन बेहतर हो सकता था, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। फीचर एडिशंस की बात करें तो कैबिन के फ्रंट हाफ में चेंजेस मामूली हैं। डोर सिल्स पर क्रोम ट्रिम और एल्यूमिनियम पेडल्स दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अब को ड्राइवर सीट को भी पावर एडजस्ट मिलता है विथ मेमोरी। बिलीव इट और नॉट, इस वेरिएंट में आपको एक्स्ट्रा चार्जर्स मिलते हैं। फ्रंट में आपके फोन के लिए वायरलेस चार्जर, डैश कैम के लिए मिरर में एक इंटीग्रेटेड चार्जर स्लॉट और रियर सीट्स में दो एक्स्ट्रा यूएसबी चार्जर्स। कन्वीनियंस के लिए पावर टेलगेट भी दिया गया है, जिसे आप रियर बम्पर के नीचे पैर हिलाकर ओपन कर सकते हैं। एडिशनल सेफ्टी फीचर्स देखें तो रियर साइड एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और फेटीग अलर्ट सिस्टम LNK वेरिएंट में आपको एक्सक्लूसिवली मिल जाते हैं। इन सब के अलावा दो मेजर फीचर एडिशंस है। पहला अपग्रेड है इसके साउंड सिस्टम में। 8 स्पीकर के जगह आपको 11 स्पीकर और एक सबवूफर मिलता है, वो भी कैंटन ब्रांडेड। अगर आप अच्छी ऑडियो क्वालिटी के शौकीन हैं तो आप शायद इस साउंड सिस्टम के लिए ही स्टाइल से LNK वेरिएंट पर अपग्रेड कर देंगे। दूसरा है हैंड्स फ्री पार्किंग। पार्किंग स्लॉट सिलेक्ट कीजिए और सिर्फ एक्सेलरेटर और ब्रेक संभालिए, स्टीयरिंग ऑक्टावया अपने आप संभाल लेगी। फ्रॉम अ फीचर स्टैंड पॉइंट, इस वेरिएंट में ऐसा कोई भी फीचर नहीं है विच इज अ मस्ट हैव। अगर इस वेरिएंट में सनरूफ होता, वेंटिलेटेड सीट्स मिलते तो शायद ये वेरिएंट और थोड़ी टेम्पटिंग लगती, लेकिन एज इट इज ये अपने प्राइस प्रीमियम को बेयरली जस्टिफाई कर रही है। अगर आप एक फुल्ली लोडेड गाड़ी प्रेफर करते हैं, श्योर यू कैन अपग्रेड टू दी ऑक्टाविया LNK, लेकिन ओवरऑल ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट स्टाइल ही है। टेक अ लुक एट द वेरिएंट वाइज वर्डिक्ट्स। उम्मीद रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो, प्लीज लीव देम इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैवंट ऑलरेडी, प्लीज हिट सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, आई'd रियली अप्रिशिएट इट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।